दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसे कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। सदन में केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, वहीं बीजेपी ने शराब नीति पर केजरीवाल का घेराव किया। तो क्या दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है, या फिर केजरीवाल खुद के बचाव में ये आरोप लगा रहे हैं? क्या है सच्चाई, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली इस वक्त राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गई है। इस अखाड़े में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी हर हाल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है, लेकिन सीएम केजरीवाल बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। केजरीवाल ने आज बीजेपी पर दिल्ली की सरकार को गिराने का बड़ा आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के लोगों ने मिलकर साजिश की है कि कैसे दिल्ली की सरकार गिराई जाए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गई हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया है। ये एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चलती रही, लेकिन एक रुपया भी नहीं मिला। कोई गहना नहीं मिला, कोई नकदी नहीं मिली, किसी भी भूमि या संपत्ति का कोई दस्तावेज नहीं मिला और कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये एक झूठी छापेमारी थी। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, कुछ सालों में 277 विधायकों को ये खरीद चुके हैं। दिल्ली में 20 करोड़ का रेट था, अगर 20 करोड़ में एक विधायक खरीदा तो 277 विधायकों पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली के लिए 800 करोड़ रखे हैं, ये पैसा कहाँ से आया? सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि देश में कई सरकारों को गिराया है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, MP, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की सरकारों को ये गिरा चुके हैं। ये एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहे हैं। लोग एक सरकार चुनते हैं, वो उसे गिरा देते हैं। 29 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन को एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। DB लाइव की रिपोर्ट।